उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव सैंडा फरीदपुर में करंट की चपेट में आने से आज सेंदापुर फरीदपुर गांव में एक किसान की मौत हो गई। दूसरा किसान करंट से झुलस गया। किसान नेताओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक और घायल किसान को मुआवजे की मांग की है। मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने निर्धारित मुआवजा देने की बात को स्वीकार किया है। ये विलाप कर रहे परिजन गांव सैंडा फरीदपुर के वो लोग हैं जिनके परिवार में किसान के करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। हुआ यूं कि किसान खेत में कार्य कर रहा था और बिजली के तार जो काफी नीचे लटके हुए थे, बारिश के कारण उनमें करंट आ गया और करंट फसल के माध्यम से किसान तक पहुंच गई। किसान के करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई और दूसरा किसान गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर चीख पुकार सुन आसपास के किसान आए और घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने पर किसान संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर और नीचे लटके हुए तारों को नहीं बदला गया। इसकी शिकायत कई बार की गई। मामला ये है, 3 दिन पहले बिजली विभाग के जेई को अवगत कराया था कि हमारे खेत में करंट उतर रहा है और नीचे तार ये फसल से छुप रहे हैं, इनको टाइट कर दिया जाए। और कुछ तार टूटने की अवस्था में दिखाई दे रहे थे, उन्होंने नहीं सुना। आज हमारे किसान जैसे अपने खेत पर चारा काटने आए, अजय राघव जी और एक हैं हृदय राघव जी, जैसे ही आए बिजली का 11,000 का तार टूट गया और टूटने से करंट जैसे जमीन में आया। एक हमारे अजय राघव मौके पर तुरंत एक्सपायर हो गए, मृत्यु हो गई है उनकी, और हृदय राघव बुरी तरीके से घायल हैं, वो खुर्जा कैलाश में भर्ती हैं। तो आज इस दर्दनाक घटना को लेकर भारतीय किसान उन महाशक्ति की मांग है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ चीफ साहब या एक्शन महोदय आ जाएं, जबकि 4 घंटा का समय हो गया है और एक्शन साहब को बता दिया गया है, एक्शन साहब लेकिन अभी तक सुनने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं है। पुलिस अधिकारी आ चुके हैं मौके पर, तहसीलदार महोदय आ चुके हैं खुर्जा से, SDO अब आके लगे हैं। तो हमारी मांग है हमारे किसान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा यहीं दिया जाए जिसकी मृत्यु हुई है बिजली विभाग से, क्योंकि उसके परिवार का पालन पोषण करने वाला वो दुनिया से चला गया इनकी लापरवाही से, घोर लापरवाही। ये अधिकारी बिना पैसे के तो काम करने को तैयार ही नहीं है, अपने ऑफिसर लेकरने को तैयार ही नहीं है जब तक इनको पैसा नहीं दे दोगे आप। इसलिए मेरी मांग है ठाकुर, ये जी बिजली से बड़ा है मेरा भाई है, बिजली से कैसे तार से टच हुआ है, कहाँ पर? यही खेत में है जी, मतलब तार टूट के गिर गया है। हाँ जी, ये खेत में क्या कर रहे थे? चारा लेने आया था जी। तो किसी अधिकारी से शिकायत करी तार की? सभी से कर दी जी, कोई नहीं सुन रहा अभी तक। गाय भी मर गई थी 3 दिन पहले, 3 दिन पहले भी की थी जी हमने, जैसे तार पहले टूटा था तब भी करी थी, 1 साल पहले ही आग लगी थी ईख में, हमें ना कोई मुआवजा मिला ना कुछ भी मिला उसका। अभी आप देखिए पूरे फसल से तार लगे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, अगर चारा काटने आएंगे तब भी मरेंगे। तो सस्पेंड किया जाए, ये जिनकी मृत्यु हुई है और मर क्या होगी लगभग 40 वर्ष जी, 40 वर्ष पूरा। ये जानकारी जब खुर्जा तहसील प्रशासन को मिली, मौके पर तहसीलदार पहुंचे, उन्होंने माना कि विद्युत के तार जर्जर थे और नीचे लटके हुए थे जिसका कारण ये हादसा हुआ है। ये देखिए तार पुराने लगे हुए हैं, जर्जर अवस्था में हैं, पोल से ये हल्के से काफ़ी नीचे लटक गए हैं, फसल में वो टच हो रहा है और किसान अपने खेत की सुरक्षा के लिए चारों तरफ अपना तार बंदी किया है, फसल में करंट आया और करंट जो है फिर तार में गया, उसकी वजह से एक किसान घायल हो गया है, दूसरे की डेथ हो गई है। अब उसी के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। ये चूँकि
पूरा ये लाइन चेंज होना चाहिए। अब उसके लिए रिपोर्ट करेंगे, देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। हाँ, मुआवजे की मांग की जा रही है और जो भी कंपनसेशन गवर्नमेंट दे रही है वो इनको हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा मृतक और घायल किसान को दिया जाएगा। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।